काशी के भक्तों ने 51,000 दीपों से रामघाट में किया भव्य दीपदान। पिछले लगभग 2 दशकों से जारी है परंपरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोभूमि में बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आने वाले भक्तों का दीपदान चित्रकूट के रामघाट में विहंगम रहता है। 51,000 दीप दशकों से यह भक्त मंडल मंदाकिनी किनारे जलाकर अपनी अगाध आस्था का परिचय देते हैं। वाराणसी से इस बार 5 बसों में सवार होकर यात्री 5 दिनों के लिए चित्रकूट आए हैं। बुधवार को पूरे रामघाट को इन सैकड़ों बनारसी भक्तों ने दीपों से जगमगा दिया। 51,000 दीपों से रामघाट का नजारा बड़ा ही विहंगम नजर आया। बनारसी भक्तों ने बताया कि पिछले कई दशकों से वह लोग काशी से चलकर चित्रकूट आते हैं, यहाँ दीपदान करते हैं। जगह जगह मठ मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। गुरुवार को यही भक्तों की टीम शाम को बड़े हनुमान जी में भी भव्य दीपदान कार्यक्रम करेगी। इसके बाद टीम मेहर के लिए प्रस्थान करेगी। बनारस के इन भक्तों के दीपदान को देखने के लिए रामघाट में हजारों लोग जुटते हैं। दीपदान के समय ही रामघाट में भजनों की बयार बही। पूरे भक्ति भाव और आस्था से लबरेज इन भक्तों की टोली बरबस ही लोगों को आकर्षित करती है। इस मौके पर बनारस के पुरुषोत्तम यादव, कुट्टू शर्मा, रमेश यादव, अमरनाथ शर्मा, डब्लू मिश्रा, नंदलाल यादव, महेंद्र यादव, जगदीश यादव, हरिहर बाबा, राम सूरत यादव समेत लगभग 30 सैकड़ा काशी के भक्तजन मौजूद रहे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।